हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए मेरे पीछे किचन, तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। तो हमारा तो यही है ना, किचन से ब्लॉग शुरू होता है, किचन में ही एंड हो जाता है, क्योंकि सारा दिन हम किचन में ही होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं लेकिन ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में ही व्यतीत होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ, अभी मैं दिन का टाइम है ये, तो गुड आफ्टरनून। और अभी मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ किचन में। और आज जो है ये भी आने वाले हैं, हाफ डे आएंगे घर, क्योंकि हमें कुछ काम है। कुछ काम क्या मतलब, खुशी मेरी बड़ी लड़की का नाम है, तो जो न्यू आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि मेरी दो लड़कियाँ हैं, एक है खुशी एक है वैशु। तो खुशी बड़ी वाली लड़की का नाम है, वो इस समय अभी मतलब 10th क्लास में है। तो आज उनका जो मतलब 10th के जो बोर्ड का फॉर्म वगैरह भरा गया है ना, तो उसको चेक करने के लिए पेरेंट्स दोनों को बुलाया गया है हमको, ताकि हम मतलब स्पेलिंग वगैरह कोई गलती ना हो फॉर्म में, तो वो सब चेक करके फिर साइन वाइन भी करने हैं दोनों के। तो इसीलिए स्कूल में बुलाया गया है, सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है 10th क्लास के, तो जाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ जब तक ये आते हैं। ये हाफ डे आएंगे तो फिर मैं तब तक खाना बना के रेडी रखती हूँ। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ छंछा। छंछा को कौन कौन जानता है? छंछा को कौन कौन जानता है? ये कोई पर्सन नहीं है, डिश है। तो ये मट्ठे से बनती है, हमारे घर वाले की एकदम हेल्दी डिश है, मतलब बिल्कुल हेल्थ से भरपूर। और वैसे तो ये बनती है सामक के चावल होते ना, और हमारे घर वाले उनको झगोरा बोलते हैं, उनसे बनती है। लेकिन सामक के चावल हमेशा मतलब होते नहीं हैं, तो चावल से भी बन जाते हैं। तो चावल नॉर्मली चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय होते सामक के चावल हैं, तो मैंने वो काफ़ी देर से भिगोने रखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगभग इनको 2 से 3 घंटा तो हो ही गया है। चावल भी बनाऊंगी और दाल भी बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल क्योंकि बच्चे नहीं खाने वाले इसको ना छंछा। ये खुशी तो फिर भी खा लेती है, लेकिन छोटी वाली नहीं खाती, वो ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करती। तो और इसके साथ हम इसको हम मीठा भी बनाते हैं और खट्टा भी बनाते हैं, तो मैं आज दोनों तरीके से बनाने वाली हूँ, तो सो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं काम शुरू। तो ये देखिए एकदम लाल मट्ठा है, तो यहाँ पे जब ये मट्ठा बॉयल होगा ना, तब मैं इसमें ये डाल दूंगी सामक के चावल झंगोरा ना। जो मट्ठा है ना फटने का चांस, फट जाती है ये, तो इसको चलाते रहना है। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ दाल की भी तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो दाल का तड़का काट रही हूँ, तो यहीं पे काट रही हूँ। मैंने कहा साथ में मेरे इस पर भी नज़र रहेगी, इसको मतलब चलाती रहूँगी और यहीं पे मैं तड़का भी काट लूँगी। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है छंछा। तो मैं कुछ खट्टा निकाल लूँगी, तो खट्टा पहले ही मैं निकाल लूँगी एक बाउल में, और अब मैं इसमें मीठा डालूँगी। मीठे के लिए मैंने शक्कर यूज़ करी है, गुड़ नहीं है मेरे पास, तो शक्कर डालूँगी और बस इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट और पकाऊँगी, और इस तरीके से मीठा भी रेडी हो जाएगा। और ये है फ्रेंड्स हमारा पहाड़ी नून, जो मैंने पीस के रखा हुआ है, नमक है ये। तो हम दही में जैसे कुछ वैसी चीज़ें खानी हो ना, पपीता खीरा, जिनमें नमक लगा के खाते हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। उदार स्वादिष्ट बनता है। तो ये है मीठा वाला छंचा, ये है खट्टा वाला, तो इसमें हम नमक डाल के खाते हैं और इसको ऐसे खाएंगे। तो ये ले जा रही हूँ मैं इनके लिए, ये आ चुके हैं और ये है मेरे लिए। तो आप भी आइए फ्रेंड्स, आप भी टेस्ट कीजिए।
हमारे गढ़वाल में तो खैर हमारे गढ़वाली भाई बहन तो सभी जानते होंगे, खाए भी होंगे उन्होंने, खाया क्या बनाते होंगे उनके घर में, लेकिन अदर नहीं जानते होंगे। या हो सकता है बनता भी होगा, पता नहीं कुछ और नाम से। तो एक तरफ से एक खट्टी खीर ही बोल सकते हैं आप, बच्चों को तो मैं इसको खट्टी खीर बोलती हूँ, खट्टी खीर बनी है। तो चलिए, तो बस अब चलेंगे हम स्कूल। स्कूल के लिए मैं निकाल रही हूँ सूट। कौन सा सूट लूँ मैं, ये वाला निकालती हूँ, ये वाला, ये सही है स्कूल के लिए। प्रेस की जरूरत है क्या इसमें? थोड़ी थोड़ी प्रेस मारनी पड़ेगी इसमें। हम आ गए थे स्कूल से 2 बजे के करीब, 2 बजे से थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हुए होंगे, तो आ गए थे। और उसके बाद हमने खाना वाना खाया, और खाना खाए हुए मतलब बर्तन वर्तन मैंने किचन उचन सारी क्लीन कर दी है, और बाकी सभी सो रहे हैं, खुशी और उसके पापा सो रहे हैं। और कल बच्चों की छुट्टी है क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो सबको, आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मार्केट में बहुत सारे गणेश जी के वो आए हैं, है ना, बड़े बड़े छोटे छोटे मूर्तियाँ, तो अच्छा लगता है। आजकल जो है मार्केट में काफ़ी रौनक हो जाती है, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन तो शुरू हो ही जाते हैं, रक्षाबंधन से तो फेस्टिव सीजन है, लेकिन अब जो है गणेश चतुर्थी, इसके बाद कुछ टाइम बाद दशहरा, वो सॉरी पहले नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा, दिवाली, है ना, इस तरीके से बहुत सारे त्यौहार। तो मतलब मार्केट एकदम सज जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मार्केट जाना, कुछ शॉपिंग करो, करना भी अच्छा लगता है, शॉपिंग करना भी अच्छा लगता है, पर करो ना करो लेकिन मार्केट में घूमना देखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो मैं छत से अभी कपड़े लेके आई हूँ बर्तन वर्तन धोने के बाद, तो बस इनको तैवे मारूंगी और रखूंगी इनको इनकी जगह पे। और जो शॉपिंग मैंने दिखानी है आपको, जो मॉल से शॉपिंग करी ना हमने, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब सूट तो मैंने उसी दिन कर लिया था, लेकिन इसलिए नहीं डाली वो क्लिप क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, हो जाती, और हुई नहीं वो वीडियो लंबी, है ना, 8 मिनट की रही, जबकि मेरी वीडियो लगभग 11 से 12 मिनट की तो होती हैं। तो क्या हुआ कि वो जब मैंने वीडियो एकदम डाल सब कुछ तैयार कर दिया, एडिट उडिट कर दिया, और एडिट करने के बाद वीडियो सेव करने लगी, तो पता नहीं आगे की क्लिप कैसे वो डिलीट हो गई, फिर कुछ नहीं कर सकती थी। फिर जितनी बची वीडियो मैंने उतनी ही आप तक पहुंचा दी, तो इस वजह से वो वीडियो फिर छोटी हो गई। नहीं तो अगर पहले ऐसा हो जाता तो मैं फिर वो वाला क्लिप डाल देती उसमें, शॉपिंग वाला ना, तो मैंने उसी दिन शूट करके रख लिया था, लेकिन इसीलिए नहीं डाला कि बड़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसके बाद जो है आपको वीडियो की वो सॉरी शॉपिंग दिखा दूंगी, वरना ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं करी हमने, जितनी भी करी थोड़ी बहुत, मतलब इस समय हमें ज़रूरत नहीं थी शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी करने की ना, क्योंकि अभी तो कुछ भी टाइम ऐसा है नहीं कि शॉपिंग करने का, वो हो शादी वादी का, या फिर कुछ भी शादी वादी कहीं जाना है नहीं, तो शॉपिंग बस वो वैसी जब मॉल गए थे तो करके आ गए, तो वही वाली शॉपिंग है वो छोटी। तो फ्रेंड्स अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग। तो अभी तो हमने थोड़ा सा कुछ ग्रॉसरी का भी किया हुआ, स्पेंसर में भी गए थे, कुछ शॉपिंग हमने ट्रेंड से करी, तो ये देखिए। और खुशी भी हमारे साथ करी, हेलो हाय तो कर दो बेटा। हेलो, तभी चलो स्टार्ट करते हैं। अब बड़ा शौक लगा हुआ है खुशी को शॉपिंग करने का। और सही वाला टॉप, इसमें नीचे ये भी है, ये नीचे टाई अप हो जाएंगे, और ये है ट्रेंड से, जो कि हमने अगेन ट्रेंड से ली थी। सारा ट्रेंड से ही लिए हैं कपड़े, तो ग्रीन कलर में है। और फिर और खुशी को तो बस बॉयज की टी शर्ट ही पसंद आती है। कितनी ले आई, 3-4 तो ले आई ना, पसंद तीन चार है। हल्के इसमें बना हुआ पता नहीं क्यों बॉयज की टी शर्ट पसंद आती है, ओवर साइज होती है। तो हमने लिया था ट्रेंड से शूज, ये पापा के हैं, ट्रेंड से नहीं है, रिलायंस से। रिलायंस, हाँ।
स्पोर्ट्स हो जाए, सोच क्या दिखाने। इनको तो ब्लैक में आ रहे थे लेकिन मुझे ग्रे में आ रहे थे, तो चलती आखिर किसकी है। जबकि पापा के पास ग्रे थे पहले से। नहीं, इनका लुक ज्यादा अच्छा रहता है, और ब्लैक में ऐसा होता है कि डस्ट वस्ट बहुत ज्यादा चमकती है पर। और ये खुशी लेके आई है अपने लिए, क्या बोलते हैं खुशी इसको, अरे इसको निकाल के जो थ्री लेयर वाली आती है ना चैन, है ना। सो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, मैं बाद में दिखूंगी वीडियो में पहनने में। ऊपर जा रहा है, लिप ग्लॉस लिया था मैंने। ये कलर कैसा देगा? ये ट्रांसपेरेंट कलर है, कलर नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी अब है ग्रोसरी का सामान। तो ग्रोसरी का सामान तो बच्चों ने ही लिया अपना खाने पीने का, ये चिप्स के पैकेट है। तो ये हॉट स्पाइसी कोरियन चिकन नूडल्स, तो मुझे पहले से बहुत पहले से ट्राई करने थे, सो मैं ट्राई करूँगी। इसका शॉर्ट वीडियो देखती हूँ, अगर आएगा तो शॉर्ट वीडियो डालेंगे हम इसके लिए। ये है सीरियल्स का है पूरे, इसमें कौन कौन से हैं, रागी बाइट्स, हाँ ये रागी बाइट्स है सारे, और इसमें अलग अलग फ्लेवर्स के हैं। ये भी वही है, दो पैकेट लिए इन्होंने चिकन नूडल्स के। ये ओरियो बिस्किट लिए, ओरियो बिस्किट, ये डार्क फैंटेसी है, ये सारा बच्चों का ही है खाने पीने का जो भी है। ये क्या है, इमली पॉप। इसके अंदर छोटे छोटे स्टिक है इमली की, और ये है चीज मैक्रोनी पास्ता, और ये है खजूर, ये खजूर है। तो ये स्पेशली हम वैसो के लिए लेके आए, वैसो आजकल बहुत वीक हो गई है तो उसको खिलाने हैं। तो दो पैकेट हैं, ये दो पैकेट पड़े हमें स्पेंसर से लिया हमने ये सामान, तो दो पैकेट हमको पड़े ये 230 रुपए के, हाँ 230 के दो पैकेट पड़े, ब्लैक वाले हैं ये। और ये देखिए, ये है मेरे काम की चीज, मैं लाई हूँ स्क्रब, नीविया का है। तो ये नॉर्मल स्किन के लिए है, नीविया का स्क्रब है, और वो है मामा अर्थ का फेस वॉश है, एलोवेरा वाला, एलोवेरा फेस वॉश मामा अर्थ का। ये च्युइंगम है भाई, ये च्युइंगम नहीं है। तो बस सामान यही है, खाने पीने का सामान है, थोड़ी बहुत करी शॉपिंग, क्योंकि वहाँ पे सही बोलूँ ट्रेंड से मुझे इस समय कुछ भी पसंद नहीं आया। अपने लिए भी देख रही थी मैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया कुछ भी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की हमारी शॉपिंग, चलो फिर बाय बाय बाय।